गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। टुडे इन द क्लास ऑफ BCA फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क वी विल स्टडी अबाउट द राउटिंग एल्गोरिथम एंड कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने राउटिंग कंट्रोल एल्गोरिथम के बारे में देखा था। दो तरह की हमारी एल्गोरिथम थी, एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम एंड नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। पिछले वीडियो लेक्चर में हम एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम के बारे में देख चुके थे, जिसके तीन टाइप हमने बताए थे, सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम, आइसोलेशन एल्गोरिथम या आइसोलेटेड एल्गोरिथम कह सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम। ये हमने तीन टाइप बताए थे एडेप्टिव एल्गोरिथम के। आज हम बात करेंगे, ठीक है, नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम की। नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम इज आल्सो नोन एज ए स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, जो एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम थे उसे हम डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम कह सकते थे, और इसे नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम को हम स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। When booting up the network, जब हम एक नेटवर्क को स्टार्ट करते हैं, बूटिंग अप करते हैं, the routing information stores the routers, जो राउटिंग की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी ठीक है, राउटिंग मतलब रूट पाथ की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो राउटर के पास स्टोर होती है। नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम डू नॉट टेक द राउटिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क ट्रैफिक। नॉन एडेप्टिव में क्या होता है, जो राउटिंग एल्गोरिथम जो नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम है ये राउटिंग डिसीजंस को नहीं ले सकती, यानी किसी सेंडर से किसी रिसीवर तक का जो रूट है कि किस रूट से ये पैकेट हमारा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगा, ये डिसीजन हमारी नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम नहीं ले सकती है, किसी भी नेटवर्क टोपोलॉजी या नेटवर्क ट्रैफिक में जब बात हो। तो द टू नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फ्लूडिंग एंड रैंडम वॉक। अगर फ्लूडिंग की बात करें तो इन केस ऑफ फ्लूडिंग एवरी इनकमिंग पैकेट इज सेंड टू ऑल द आउटगोइंग लिंक्स। फ्लूडिंग में क्या होता है, जैसे कोई भी इनकमिंग पैकेट है उसे सारे नोड्स जो कनेक्टेड हैं उस नेटवर्क पर या नेटवर्क टोपोलॉजी पर या ट्रैफिक उस नेटवर्क में, तो वो जो रिसीविंग नोड है, ठीक है, या इनकमिंग नोड है, वो क्या करेगा, पैकेट को सारे नोड्स पर, आउटगोइंग नोड्स पर सेंड कर देगा, जितने भी लिंक हैं उसके पास, एक्सेप्ट द वन फ्रॉम इट्स बीन रीच्ड, और उसमें से एक पर वो किसी न किसी पे पहुँचेगा ही। द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्लूडिंग इज द नोड में कंटेन सेवरल कॉपीज ऑफ द पर्टिकुलर पैकेट। इससे क्या होगा, नोड के पास जो है उस पैकेट की सेवरल कॉपी कंटेन हो जाएगी, मतलब एक आदमी जब 10 लोगों को कोई चीज़ दे देगा तो 10 कॉपियाँ हो गई, नहीं हो गई, ठीक है। और रैंडम वॉक की बात करें तो इन केस ऑफ रैंडम वॉक ए पैकेट सेंट बाई द नोड टू वन ऑफ इट्स नेबर। और रैंडम वॉक में अगर बात करें, जैसा इसमें लिखा है कि अपने जो नेबर होंगे, जो नोड है, सेंडर नोड है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने नेबर यानी पड़ोसी जो नोड होगा उसे सेंड करेगा पैकेट को, फिर वो अपने पड़ोसी को सेंड करेगा, फिर वो इस तरीके से वो डेस्टिनेशन तक हमारा पैकेट पहुँचता है। एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रैंडम वॉक इज दैट इट यूजेज द अल्टरनेटिव रूट्स वेरी इफिशियंटली। ये जो है, इसका एडवांटेज ये है कि वेरी इफिशियंटली अल्टरनेटिव रूट्स को ये फॉलो करता है। अब बात करेंगे, हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम। कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम के बारे में सबसे पहले ये जानें कि कंजेशन क्या होता है। कंजेशन ए स्टेट अकरिंग इन नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में एक ऐसी स्टेज आ जाए कब, कि व्हेन द मैसेज ट्रैफिक इज सो हैवी, यानी मैसेज का जो ट्रैफिक है वो हैवी हो जाए, दैट इट स्लो डाउन नेटवर्क रिस्पॉन्स टाइम, जिससे कि नेटवर्क का जो रिस्पॉन्स टाइम है, यानी कि डेटा पैकेट भेजने की जो टाइमिंग है, रिस्पॉन्स करने की जो टाइमिंग, वो स्लो हो जाए,
दैट इज़ नोन एज कंजेशन, यानी कि नेटवर्क ट्रैफिक इतना एक सार इतने मैसेज हमारे पास इकट्ठे हो जाए, ट्रैफिक इतना हो जाए कि जो टाइम है उसका नेटवर्क रिस्पॉन्स टाइम वो हमारा स्लो हो जाए, दैट इज़ नोन एज कंजेशन। इफेक्ट ऑफ कंजेशन, कंजेशन का क्या असर होता है वो देखें। एज डिले इंक्रीज, जैसे डिले बढ़ेगा परफॉर्मेंस डिक्रीज, तो जो परफॉर्मेंस है नेटवर्क की वो डिक्रीज हो जाएगी। इफ़ डिले इंक्रीज, और डिले अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रीट्रांसमिशन अकर्स मेकिंग सिचुएशन वर्स, और फिर हमें पैकेट्स का रीट्रांसमिशन भी करना होगा। तो ये हमारा हो गया कंजेशन। अब बात करते हैं कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम कौन कौन सी होती है। पहली तो है लीकी बकेट बकेट एल्गोरिथम, लीकी बकेट जैसे लिखा नहीं, लीक करने वाली जो बाल्टी होती है उसके आधार पर इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। लीकी बकेट एल्गोरिथम की अगर बात करें तो ईच नेटवर्क इंटरफेस कंटेन ए लीकी बकेट, जितने भी नेटवर्क इंटरफेस हैं उनके पास लीकी बकेट ज़रूर होती है। एंड द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन लीकी बकेट एल्गोरिथम, और लीकी बकेट एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से देखते हैं। पहला स्टेप है व्हेन होस्ट वांट टू सेंड पैकेट, होस्ट मतलब सोर्स या सेंडर, जब कोई सेंडर या नोड पैकेट को सेंड करना चाहता है, ठीक है, वांट टू सेंड पैकेट, पैकेट इज थ्रोन इन टू द बकेट, जो पैकेट है वो हमारे बकेट में चला जाएगा, जी कोई भी बकेट एक नाम दे दिया उसमें चला जाएगा। द बकेट लीक्स एट ए कॉन्स्टेंट रेट, मीनिंग द नेटवर्क इंटरफेस ट्रांसमिट्स पैकेट एट ए कंट्रोल कॉन्स्टेंट रेट, यानी कि जो फिर बकेट में एक इकट्ठे हो जाएंगे वो सारे पैकेट, और जो बकेट है वो क्या करेगा, कांस्टेंट रेट के अनुसार, ये मतलब जो गैप उसे रेट चाहिए कि हाँ 5 मिनट में एक पैकेट जा रहा है या 10 पैकेट 5-10 मिनट में एक जा रहा है, उसी कांस्टेंट रेट के अनुसार उसमें से एक एक पैकेट हमारा बकेट में से लीक होता रहेगा या ट्रांसफ़र हमारा होता रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम दिया बकेट, जैसे एक एक बूंद पानी निकलता रहता है अगर लीकेज हो तो किसी भी बाल्टी में बकेट में, उसी तरीके से यहाँ पैकेट निकलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रेट के साथ में। ब्रस्टी ट्रैफिक इज कन्वर्टेड टू ए यूनिफॉर्म ट्रैफिक बाय द लीकी बकेट, और जो ब्रस्टी ट्रैफिक यानी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा बिजी ट्रैफिक रहता है, तब वो इस ट्रैफिक को यूनिफॉर्म ट्रैफिक में कन्वर्ट कर देता है, जो बाल्टी सॉरी लीकी बकेट जो है। इन प्रैक्टिस द बकेट इज़ ए फाइनाइट, अगर प्रैक्टिस की बात करें तो जो बकेट है एक फाइनाइट है। अब सेकंड इज टोकन बकेट एल्गोरिथम, ठीक है, टोकन बकेट बकेट एल्गोरिथम की बात करें तो नीड ऑफ टोकन बकेट एल्गोरिथम, टोकन बकेट एल्गोरिथम की नीड क्या है, क्या क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, द लीकी बकेट एल्गोरिथम इन्फोर्स आउटपुट पैटर्न एट द ओवरेज एवरेज रेट, जो लीकी बकेट एल्गोरिथम है इन्फोर्स करता है आउटपुट पैटर्न, यानी कि जो उसके नो होस्ट जो है वो पैकेट को मैसेज को लीकेज करता है एक एवरेज रेट के साथ, नो मैटर हाउ ब्रस्टी द ट्रैफिक, उसमें ट्रैफिक कितना भी ब्रस्टी बिजी हो उसका कोई मैटर हमारे लीकी बकेट एल्गोरिथम में नहीं पड़ता है। सो इन ऑर्डर टू डील विद द बस्टी ट्रैफिक वी नीड टू फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम, और बस्टी ट्रैफिक के कार को डील करने के लिए हमें एक फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम की आवश्यकता हुई, सो दैट द डेटा इज नॉट लॉस्ट, जिससे कि हमारा डेटा लॉस्ट ना हो, ठीक है जहाँ उसमें तो बकेट हमारी मैसेज उसमें जाते रहते थे और वन बाय वन टाइम एक कांस्टेंट रेट के साथ वो मैसेज निकलते रहते, तो क्या होता था जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी उसमें, ठीक है, और डेटा लॉस्ट होने के चांसेस थे। लेकिन उसे रिमूव करने के लिए उन सारी चीज़ों को, वन सच एल्गोरिथम इज टोकन बकेट एल्गोरिथम, ठीक है, एक और एल्गोरिथम है जो है टोकन बकेट एल्गोरिथम,
स्टेप ऑफ दिस एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो. इन रेगुलर इंटरवल्स टोकन्स आर थ्रोन इन टू द बकेट. इसमें जो रेगुलर इंटरवल पर टोकन्स बकेट में फेंके जाते हैं. द बकेट हैज़ ए मैक्सिमम कैपेसिटी. और बकेट की जो कैपेसिटी वो बहुत मैक्सिमम होती है उसकी. इफ़ देयर इज़ ए रेडी पैकेट, अगर कोई रेडी पैकेट है उसके पास बकेट के पास, ए टोकन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बकेट, तो जो टोकन है वो बकेट से हमारा रिमूव हो जाएगा. एक टोकन बकेट से रिमूव हो जाएगा एंड द पैकेट इज सेंट, और पैकेट हमारा सेंट हो जाएगा. इफ़ देयर इज़ नो टेक टोकन इन द बकेट, और बकेट में कोई टोकन नहीं है, द पैकेट कैन नॉट बी सेंट, तब जो हमारा पैकेट है वो हमारा सेंट नहीं होगा. क्लियर. अब बात करें तो बेज इन विच टोकन बकेट इन इज सुपीरियर टू लीकी बकेट. किस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टोकन बकेट है वो सुपीरियर है इससे, लीकी बकेट से. द लीकी बकेट एल्गोरिथम कंट्रोल्स द रेट एट विच द पैकेट्स आर इंट्रोड्यूस. जो लीकी बकेट है वो उस रेट को कंट्रोल करता है किसको, जब पैकेट हमारे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तब के. लेकिन बट इट इज़ वेरी कंजर्वेटिव इन नेचर, और जो, लेकिन जो नेचर में बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है ये. सम फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इंट्रोड्यूस इन द टोकन बकेट एल्गोरिथम, लेकिन टोकन बकेट एल्गोरिथम में कुछ हमारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं. इन टोकन बकेट एल्गोरिथम टोकन्स आर जनरेटेड एट ईच टिक. जो टोकन है वो ईच टिक पर जनरेट होते हैं. ईच टिक का मतलब अप टू सर्टेन लिमिट, यानी एक सर्टेन लिमिट के बाद, टाइम पीरियड के बाद हमारे टोकन जनरेट होते रहते हैं. फॉर एन इनकमिंग पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड, किसके लिए, इनकमिंग पैकेट के ट्रांसमिशन के लिए, इट मस्ट कैप्चर ए टोकन. तो ये यानी कि अब जब हमें कोई भी पैकेट सेंड करना हो तो वो पैकेट हमारा एक टोकन को कैप्चर करेगा. एंड द ट्रांसमिशन टेक प्लेस एट द सम सेम रेट, और जो ट्रांसमिशन का रेट है वो भी हमारा सेम रहेगा. हैंस सम ऑफ द बृष्टि पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड एट द सेम रेट, और जो बृष्टि मतलब बिजी पैकेट्स होंगे, बहुत ज़्यादा हैवी पैकेट होंगे, वो भी हमारे सेम रेट के ट्रांसमिशन के साथ ट्रांसमिट होंगे. इफ़ टोकन्स आर अवेलेबल एंड दस इंट्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम. ओके, इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होती है किससे, टोकन बकेट एल्गोरिथम से. तो आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.